नमस्ते, मैं हूँ मनोरमा। मेरे टॉप किचन में आप सबको स्वागत है। मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ डालिया की पुलाव। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में ऑयल दे दिया, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अभी वो खड़ा गरम मसाला थोड़ा दे देती हूँ। अभी थोड़ा अदरक दे देती हूँ। ग्रेट करा है अदरक। अभी टमाटर दे देती हूँ आधा। अभी आलू दे दिया। अभी बीन्स दे दिया। थोड़ा गोभी दे दिया और गाजर दे दिया थोड़ा सा। अभी अच्छे से इसे भून लेना है। मसाले के साथ और अदरक के साथ थोड़ा फ्राई करके फिर ड्राई मसाला दूंगी। ये आप सब तो डालिया की रेसिपी बहुत सारे खाए हो, तो अभी ये डालिया की पुलाव थोड़ा खा के मुझे बताना कैसे हैं। ये बिल्कुल नया रेसिपी है। ये मेरी खुद की है रेसिपी, मैं खुद बनाई। आप सब प्लीज़ ट्राई करना और मुझे बताना ज़रूर ये कैसे बने। ये अच्छे से फ्राई होने तक इसे फ्राई कर लेती हूँ। जनरेशन किए थे वही मटर है। मैंने थोड़े दिन पहले पानी से भिगा के रख दिया। अभी दे देती हूँ। ये बहुत हेल्दी फूड होता है। सब सब्जी भी एक साथ जाते हैं और डालिया भी रहते हैं, इसलिए बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी भी होते हैं। ये बच्चे जब सब्जी नहीं खाते तब ऐसे बना के दे लेते, बच्चे तो फटाफट खा के ख़त्म कर लेते हैं, पीछे खा के ख़त्म कर लेते हैं, तब तो मम्मी की टेंशन भी दूर हो जाते हैं। इसलिए वीडियो में ज़रूर बना के देना। थोड़ा फ्राई हो गया, मैं स्वाद अनुसार नमक दे दिया। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर ज़्यादा मसाला बिल्कुल नहीं जाते, मसाला भी नहीं, ऑयल भी नहीं। ये बहुत हेल्दी होते हैं, इसलिए ज़रूर बनाना आपका। नमक देने के बाद थोड़ा पानी आ जाएगा तो अच्छा है। पुलाव है, इसके लिए थोड़ा सा आधा चम्मच गरम मसाला दे देती हूँ। थोड़ा कटा हुआ पनीर दे देती हूँ। बच्चे खाते हैं तो पनीर तो बहुत पसंद करते हैं, इसलिए थोड़ा पनीर दे दिया मैंने। अभी
अभी मैं डालिया थोड़ा भून के रखे थे, एक कप जैसे डालिया है ये भून के रखे थे, अभी तो दे देती हूँ। थोड़ा डालिया भी साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सब्जी को। देखिए और कुछ मसाला नहीं जाएगा इसके अंदर, और देखिए कितना अच्छा हो गया। अभी थोड़ा फ्राई करके मैं कुकर में डाल दूंगी। फ्राई अच्छे से करना दोस्त, नहीं तो ये सब्जी जितना फ्राई होता है इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। फ्राई बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए, थोड़ा धीमी आंचों में। बिल्कुल आधा कप पानी दे देती हूँ, थोड़ा गर्म किया है पानी, गर्म पानी है दे दिया। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, ड्राई होने तक मैं थोड़ा भून लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। करना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है, डालिया जब तक कुक नहीं होता है ना बहुत टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए कुकर में होने से दो सीटी देने से हो जाता है, इसीलिए कुकर में बनाना जरूर बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। मैं कुकर में थोड़ा गर्म पानी दे दिया, ये मैं एक कटोरी भर के एक कटोरी है ये भर के मैं डालिया लिया था, और इस कटोरी में डेढ़ कटोरी पानी दे दिया, थोड़ा गर्म है पानी। खाना बनाने के टाइम हर टाइम गर्म पानी थोड़ा यूज़ करने से खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं सारे दे देती हूँ और दो सीटी हो जाने के बाद देखिए फ्रेंड मैं सारे सब्जी और डालिया वो जो फ्राई करके रखे थे वो सारे कुकर में दे दिया। अभी कुकर के ढक्कन लगा देती हूँ, कुकर के ढक्कन लगा देती हूँ और दो सीटी होने तक देखती हूँ। मैं दो सीटी लगा के ये देखिए ये मेरा पूरा हो गया कुक, ये देखिए अच्छे से मैश हो रहे हैं। अभी मैं कढ़ाई में थोड़ा तड़का लगा लूँगी, ये तड़का के लिए मैं थोड़ा घी गरम कर लिया, एक चम्मच भर के घी दे दिया, थोड़ा किशमिश दे दिया, हरी मिर्च दे दिया काटा हुआ दो, अभी थोड़ा भून लेती हूँ इसे, और एक देना है थोड़ा सा लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा, बिल्कुल एक चिमटी जैसे। अभी मेरा ये गरम हो गया घी और हरी मिर्च, दे देती हूँ तड़का, दे देती हूँ सारे डालियों को, दे देती हूँ ये देखिए फ्रेंड ये हो गया। पुलाव तो थोड़ा ड्राई होता है, आप जैसे
मर्जी है आपकी ऐसे साग करना। कोई तो थोड़ा सूप जैसे खाते हैं, कोई जैसे थोड़ा ड्राई खाते हैं, तो मैं अभी थोड़ा ड्राई कर लेती हूँ। कितना अच्छा स्मेल आ रहा है। अभी थोड़ा कसूरी मेथी ड्राई करके मैं रखी थी, ये दे देती हूँ। ये देखिए ये हो गया मेरा, अभी गैस को बंद कर देती हूँ। तो देखिए ब्रेंड कितना इजी प्रोसेस से डालिया की पुलाव बनके तैयार हो गया। आप सब जरूर बनाना और बहुत टेस्टी भी बनते हैं और बहुत हेल्दी फूड भी है। जो वेजिटेबल नहीं खाते, जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत टेस्टी है। और आप सब जरूर बताना मुझे, बना के फिर बताना, कमेंट कर देना कैसे बने। और प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर देना। तो आप सबके साथ ऐसे जुड़ने के लिए मेरे लिए और लाइक कर देना।